बाकी रख दो। खाली बोरी निकालना। जी जी सर। मेरे हिसाब से अभी दो काफी है सर, ज्यादा ले जाने पर शायद उन्हें डाउट होगा। बी केयरफुल। हे गोविंद, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूं कि रात को मुझे धुंधला दिखाई देने लगता है, दिन में भी ठीक से नहीं दिखता। तू सुन रहा है ना? हाँ, बहरे तुम होगे, मैं नहीं। अगर तुम ऐसे मुझे में बाहर जाओगे तो एक बच्चा भी पहचान लेगा कि तुम ही वीरप्पन हो। सुन मिलिट्री, ये काम तू अच्छे से कर सकता है, आंखों के डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है। मिलिट्री को पैसे दे दो। ठीक है। परियावर, ये लो पैसे। ठीक है। मिलिट्री, मैं एक बड़े आदमी को किडनैप करने की सोच रहा हूँ। उसके लिए हमें ऐसी बहुत सारी गन चाहिए। बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगली बार जब लेकर आओगे तो साथ में इनाम भी मिलेगा। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वीरप्पन ने मुत्तु कुमार से मिलने को बोला है। वो क्यों? वो किसी खास आदमी को किडनैप करके 500 करोड़ रुपए मांगना चाहता है। श्रीलंका से हथियार लाते समय वो आंखों का ऑपरेशन कराना चाहता है। कैसा ऑपरेशन? उसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। सर, अब मैं मुत्थु कुमार से जाके कैसे मिलूं सर? जरूरत नहीं, अब से ये मुत्थु कुमार है, ये तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। अब मैं चलता हूं। अच्छा, एक काम करो, थोड़ी देर बाहर रुकना। शेर का शिकार जंगल में करना मुश्किल है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। ले जाओ मिलिट्री, इसे वीरप्पन को दे दो, दिवाली मनाएगा वो। आईना लाओ। मुत्तु कुमार से मैंने बात की है। क्या मिलिट्री? उसने बताया है यहाँ से कैसे जाना है। गाड़ी मलियोर पहाड़ी के पास से पापरपेट्टी, धर्मपुरी, सेलम, नामकल, त्रिची और तांजावुर से होते हुए अदरमपुत्र समंदर के पास से सुबह 5 बजे पहुंचेगी। ठीक है। वहां से तुम्हें पानी के रास्ते जाना है। ब्लैक टाइगर स्टीमर वहां इंतजार कर रही होगी। वहां से श्रीलंका जाने का प्लान है। हमें वहां कब जाना है? आज 2 अक्टूबर है। हाँ। इस महीने की 19, 21 और 23 तारीख की रात को हमें कभी भी 9 बजे वहां जाना होगा। सब प्लान के हिसाब से होगा और इन 3 दिनों तक श्रीलंका के लिए बोट रेडी रहेगी। निकलना कब है ये आप बता दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, एनी प्रोग्रेस? आई विल गिव यू गुड न्यूज वेरी शॉर्टली मैम। गुड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, यू कैन डू इट। मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से कह दिया है कि वो आपको हर काम में सपोर्ट करे। अगर इस मामले में कोई भी जरूरी बात हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। साधके श्री त्र्यंबके गौरी नारायण नमः। माँ ने 18 को जाने के लिए कहा है, मुझे 18 तारीख को ही जाना होगा। वहां जाने के लिए 400 किलोमीटर में अगर 400 चेक नाके भी आएंगे तब भी उन्हें पार कर लूंगा। और मिलिट्री, मुत्थु कुमार ने ये बताया कि हम जाएंगे कैसे? एम्बुलेंस। अच्छा आइडिया है। अगर एम्बुलेंस से जाऊंगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। आराम से जा सकता हूँ, है ना? टोटली हाउ मेनी मैन? 28 सर। 28। इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करो, हर में 7। ओके सर। अल्फा, बीटा, चार्ले, ये तीनों टीम सामने रहेगी और चौथी बैकअप में। ओके सर। सिग्नल फ्रीक्वेंसी चेक कर लिया? यस सर। कितना स्ट्रेंथ है? 6 से 7 किलोमीटर का रेडियस बता रहा है सर। बट आई डाउट सर, 2 या 3 किलोमीटर वी कैन एक्सपेक्ट। इस एंगल से विजुअल एकदम करेक्ट आएगा, व्हाट डू यू थिंक? या राइट सर। या इन कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते, ये टी शर्ट और पैंट पहन लीजिए।
इस उम्र में मुझे ये सब पहनना पड़ेगा। मिलिट्री गाड़ी तैयार है ना? हाँ रेडी है। हाँ मिलिट्री, तुम ये आधा पेपर ले जाकर मुथु कुमार को दे देना। ये पेपर गाड़ी में होगा तभी मैं उस गाड़ी में चढ़ूंगा। ठीक है। सर अगर ये आधा पेपर गाड़ी में रहेगा तभी वो गाड़ी में चढ़ेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रास्ते में बहुत से चेक पोस्ट पड़ेंगे, वहाँ पर आपकी मूछ भाई हटा दो अपनी मूछ। तुम्हें भी अपनी मूछ हटानी पड़ेगी, तुम ही सेतु कुली गोविंद हो, ये सबको पता है। अच्छा सुनो मिलिट्री, वो आधा पेपर उसे दे दिया था? कल ही दे दिया था। I think this is the right place. सभी 28 लोगों को बोलो सिविल ड्रेस में रहें। यस सर। और तुमने लॉरी के लिए बोल दिया ना? सर मेरा कजिन कोयम्बतूर से लाएगा, वो शुगर मिल से आधा ट्रक भर के शक्कर लेकर के आएगा सर। ओके, गाड़ी में चढ़ने के बाद वीरप्पन हमारे प्लान वाले रूट के हिसाब से नहीं आया तो अगर यहाँ पर आकर वो यहाँ मुड़ गया तो हम ऐसा करते हैं, पेन्नाग्राम रोड पर शनमुगन और टीम को यहाँ प्लेस कर दें, पालक रोड पर चिन्ना स्वामी एंड टीम को प्लेस कर दें। ओके सर। और तिरनाल करसन की टीम को वीरप्पन के आने वाले एम्बुलेंस के लिए एटलीस्ट 500 मीटर का रोड ब्लॉक कर दें। तो फिर 8:30 बजे तक अपने बॉयज को आईबी धर्मपुरी में इकट्ठा होने के लिए कहता हूँ। वीरप्पन के बारे में उन्हें ब्रीफिंग देनी है सर? नो ब्रीफिंग, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर कौन बैठा है। मिस्टर कनन सर, कई बार हमारे सीनियर ऑफिसर्स अपने अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। ये पब्लिक मीडिया, लेट्स नॉट बी अ बंच ऑफ लाफिंग स्टॉक अगेन। कुछ भी हो सकता है, इसे सीक्रेट ही रखो सर टिल द ऑपरेशन कुकून सक्सीड्स। यस सर। इधर आओ सर, ये पेपर उसे दे देना, ये देख के ही वो गाड़ी में चढ़ेगा। ओके सर। तुम्हारा पैसेंजर कौन है पता है? वीरप्पन। यस सर। डर लग रहा है? नो सर। गुड, गो। Boys, listen carefully. बस 40 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। They are our target. And one important thing, गाड़ी में हमारे 3 आदमी हैं, including driver. उनके उतरने के ठीक 6 सेकंड बाद you should fire. तब तक मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करो। गाड़ी में बैठे हुए लोग वीरप्पन से मिलके आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइट्स हैं। क्लियर? यस सर। ओके। वो उस टंकी के बगल में गाड़ी रोकना जरा। मैं उसे लेकर के आता हूं। हाँ तुम गाड़ी घुमा कर लगा दो। ठीक है। ठीक है। गाड़ी टंकी के पास खड़ी है।